ओके सो EIGRP को हमने स्टार्ट किया हुआ था। अब मैं आपको बताने जा रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं EIGRP के पैकेट्स के बारे में। इसको हम EIGRP का पैकेट्स कह लें या फिर हम EIGRP मैसेजेस कह लें, एक ही बात है, ठीक है। EIGRP में टोटल 5 मैसेजेस होते हैं। पहला मैसेज हेलो मैसेज, दूसरा मैसेज है हमारा अपडेट मैसेज, तीसरा एक्नॉलेजमेंट, एंड चौथा है हमारा क्वेरी, एंड पांचवा है रिप्लाई। तो हमें सिर्फ अभी 3 पैकेट्स के बारे में डिस्कस करना है, क्वेरी एंड रिप्लाई अभी के लिए नहीं, ठीक है। ये क्या मैसेजेस होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हेलो मैसेज के बारे में। तो हेलो मैसेज के बारे में हमें पता है कि ये इसका यूज़ होता है नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए, नेबरशिप फॉर्म करने के लिए यूज होता है। दूसरा, नेबरशिप को मेंटेन करने के लिए भी, कि अगर एक बार नेबरशिप फॉर्म होगी तो सामने वाला राउटर, मेरा जो नेबर राउटर है वो लाइव है नहीं है, वो कंटिन्यूसली नेबरशिप में के लिए हेलो मैसेज भेजता रहता है, ठीक है। और ये हेलो मैसेज कैसा होता है आपका, मल्टीकास्ट होता है। हेलो मैसेज कैसा जाता है, मल्टीकास्ट, कौन से एड्रेस पे, 224.0.0.10 के ऊपर। और ये कैसा रहता है, पीरियोडिकली रहता है। पीरियोडिकली का मतलब है कि एवरी फाइव सेकेंड क्या होगा, मेरा हेलो मैसेज जाएगा। और इस हेलो का एक डेड टाइमर होता है, इसको हम डेड टाइमर बोल लें या होल्ड डाउन टाइमर बोल लें। ये होता है मल्टीप्लाई बाय 3, यानी अगर मेरा हेलो 5 सेकंड है तो मेरा जो डेड टाइमर होगा वो 15 सेकंड का होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला मैसेज होता है वो होता है हमारा अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। मेरा राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 2 के पास एक नेटवर्क है 20.1.1.0/24। तो मैं इस राउटर के ऊपर जैसे मैं EIGRP चलाऊंगा और इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करूंगा, तो ये राउटर क्या करेगा, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 को देगा। लेकिन कैसे देगा, ये देगा, ये राउटर 2 क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज सेंड करेगा, एक अपडेट मैसेज सेंड करेगा। और इस अपडेट मैसेज, अब ये जो अपडेट मैसेज है, ये जो अपडेट मैसेज है, ये मेरा मल्टीकास्ट भी होगा या यूनिकास्ट भी हो सकता है। मल्टीकास्ट का मतलब है कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा 224.0.0.10 होगा, और यूनिकास्ट होगा तो मतलब R1 के IP एड्रेस होगा। मतलब जब R2 इस अपडेट मैसेज को भेजेगा तो इस अपडेट मैसेज के अंदर वैसे तो मल्टीकास्ट होगा 224.0.0.10 ही होगा, लेकिन सम टाइम आपको यहाँ पे कैसा मिलेगा, यूनिकास्ट IP एड्रेस भी मिलेगा। मतलब जब ये अपडेट मैसेज भेजेगा तो R2 के ऊपर जो अपडेट मैसेज का डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो R1 का खुद का होगा। तो अपडेट मैसेज यूनिकास्ट भी हो सकता है और मल्टीकास्ट भी, लेकिन जो डिफॉल्ट है वो मल्टीकास्ट होगा। यूनिकास्ट कब होगा बाद में बात करेंगे, लेकिन अपडेट मैसेज 2 एड्रेस पे जा सकता है, मल्टीकास्ट भी और यूनिकास्ट भी, लेकिन हमेशा कैसा जाएगा, मल्टीकास्ट। तो जैसे मैं R2 के ऊपर इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करूंगा तो R2 क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज सेंड करेगा। और इस अपडेट मैसेज के अंदर इस 20.1.1.0/24 की इंफॉर्मेशन को रखेगा और R1 को दे देगा। तो यानी जो R1 के पास, जो R2 को वो नेटवर्क आ रहा था, वो कैसे आ रहा था, अपडेट मैसेज के थ्रू। तो इसी का मैं अभी आपको समझा दिखाऊंगा अभी। तो जैसे ही R1 क्या करेगा, उस अपडेट मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा, तो बदले में R1 क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो मैंने जैसे बताया कि जो अपडेट मैसेज होगा वो कैसा होगा, मल्टीकास्ट और समटाइम यूनिकास्ट होगा। अब यूनिकास्ट कब होगा उसको समझते हैं, समझते हैं इस चीज को। मेरे पास R1, R2, R3 ये 3 राउटर कनेक्टेड है स्विच के साथ और सभी पे EIGRP चल रहा है। तो R1 के पास मान के चलते एक नेटवर्क है 10.1.1.0/24।
तो जैसे ही मैं इसको नेटवर्क में एडवर्टाइज करूंगा तो R1 क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज सेंड करेगा। और इस अपडेट मैसेज कौन से एड्रेस पे सेंड करेगा, 224.0.0.10 के ऊपर। और ये अपडेट मैसेज R2 को मिलेगा और R3 को मिलेगा, ठीक है। चलो R2 के पास आया तो R2 ने क्या किया, उसको अपनी राउटिंग टेबल में अपडेट मतलब अपडेट कर लिया, 10.1.1.0/24 अपडेट कर लिया राउटिंग टेबल में। और बदले में R2 क्या करेगा, इसको एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो R1 को R2 से क्या मिला, एक्नॉलेजमेंट मिला। तो यानी R1 को पता लग गया कि जो मैंने अपडेट मैसेज सेंड किया था, R1 के कितने नेबर है, दो नेबर है, R2 एंड R3। तो R1 को पता लगा कि भैया मुझे R2 से एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो इसका मतलब R2 को मेरा अपडेट मैसेज मिल गया है। लेकिन किसी नेटवर्क में कुछ कंजेशन था या कुछ प्रॉब्लम था जिसके वजह से क्या हुआ, R3 को अपडेट मैसेज नहीं मिला। अब अपडेट मैसेज नहीं मिला तो R3 एक्नॉलेजमेंट तो देगा नहीं। अब R1 को पता है कि मैंने एक अपडेट मैसेज भेजा था R2 को और R3 के पास। R1 को पता है कि मेरे दो नेबर हैं, मैंने एक अपडेट मैसेज भेजा, वो मल्टीकास्ट किया था, वो दोनों को मिला, R2 से एक्नॉलेजमेंट मिला बट R3 से उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तो यानी R1 क्या करेगा, इस अपडेट मैसेज को दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा। लेकिन अभी अपडेट मैसेज जो सेंड करेगा वो R3 को करेगा। मान के चलते R3 की आईपी है 12.1.1.3। तो ये अपडेट मैसेज के अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा 12.1.1.3। अब ये कैसे जा रहा है, यूनिकास्ट जा रहा है। तो अपडेट मैसेज यूनिकास्ट कब जाएगा, जब मुझे मेरे नेबर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, तब मैं उस अपडेट मैसेज को दोबारा सेंड करूंगा। लेकिन अब करूंगा यूनिकास्ट, क्यों करूंगा ऐसा, क्यों ऐसा बनाया गया, अभी भी तो उसको मल्टीकास्ट करता, क्या प्रॉब्लम थी। देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ये R1 बार बार अपडेट मैसेज सेंड करता मल्टीकास्ट एड्रेस पे तो क्या होता, स्विच जब भी एक इंटरफेस पे कोई मल्टीकास्ट पैकेट रिसीव करता है, मान के चलो R1 ने यहां पे एक अपडेट मैसेज रिसीव हुआ, तो इस मल्टीकास्ट एड्रेस को स्विच क्या कर कैसे ट्रीट करता है, ब्रॉडकास्ट की तरह। ब्रॉडकास्ट का मतलब वो यहां भी भेजेगा और यहां भी भेजेगा। तो ऑलरेडी R2 को तो अपडेट मैसेज मिल चुका है ना, तो उसके बाद दोबारा भेजने का क्या रीजन है। और अगर अपडेट मैसेज को मैं मल्टीकास्ट कर रहा हूं तो स्विच उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो इस स्विच के ऊपर इस जो ये जो लिंक है इनके ऊपर अननेसेसरी पैकेट जनरेट हो रहे हैं, अननेसेसरी पैकेट ब्रॉडकास्ट। एक ब्रॉडकास्ट अगर नेटवर्क में जनरेट हो रहा है तो एक बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। अगर नेटवर्क में ज़्यादा ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाएगा तो मेरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि अगर मैंने अपडेट मैसेज भेजा है अपने नेबर को, मेरे चार नेबर हैं, तो चार में से अगर मेरे को तीन का अपडेट का एक्नॉलेजमेंट मिल गया और चौथे वाले का नहीं मिला, मैं चौथे वाले को नहीं मिले तो मुझे पता लग गया ना किसने भी भेजा मेरे को अपडेट मैसेज, चौथे वाले ने नहीं भेजा, फिर मैं अपडेट मैसेज यूनिकास्ट करूंगा ताकि अगर स्विच को वो पैकेट मिले तो स्विच उसी को भेजे जिसके को पास वो पैकेट जाना है, अननेसेसरी वो सबके पास ना दे। इससे क्या होगा, मेरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगी। तो अपडेट मैसेज यूनिकास्ट कब जाएगा और मल्टीकास्ट कब जाएगा ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जो अपडेट मैसेज जाता है वो मल्टीकास्ट जाता है। R3 के R1 के पास एक नेटवर्क ऐड किया तो R1 को पता है ये नेटवर्क मेरे पास नया ऐड हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मल्टीकास्ट करना पड़ेगा, तभी तो सबको मिलेगा वो। तो वो सबको मिला और सबको मिला तो सबके तरफ से मुझे क्या चाहिए होगा, एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगा। जिससे मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा मैं ये समझ जाऊंगा कि इसको मेरा अपडेट मैसेज मिल गया है। तो अगर R2 से एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो R3 से नहीं मिला, तो इसका मतलब R3 को मेरा अपडेट मैसेज नहीं मिला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अपडेट मैसेज को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जब रीट्रांसमिट करूंगा तो कौन से एड्रेस पे करूंगा, यूनिकास्ट एड्रेस पे करूंगा। समझ में आया सर क्या दिक्कत है, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये मल्टीकास्ट कब जाएगा, देखो इंटरव्यू में ऐसी चीजें घुमा घुमा के पूछी जाती हैं कि अपडेट मैसेज कौन से एड्रेस पे सेंड किया जाता है, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। तो वो पूछ सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करो मल्टीकास्ट कब जाएगा, यूनिकास्ट कब जाएगा। मल्टीकास्ट फर्स्ट टाइम जाएगा, अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं यूनिकास्ट करूंगा, ठीक है। अब हाँ उसी को यूनिकास्ट, बिल्कुल उसी को भेजूंगा, यूनिकास्ट का मतलब 1-to-1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आने वाली बात है कि जो हमारा ये जो एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, मतलब मैं अपडेट मैसेज भेज रहा हूँ, सामने वाले को नहीं मिल रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे उसको रीट्रांसमिट करना है, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिलायबिलिटी मिल रही है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ
डेटा डिलीवर होना ही होना चाहिए, राइट। अब हमने OSI मॉडल में एक बात किया था कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर दो प्रोटोकॉल होते हैं, TCP एंड UDP। अब TCP UDP कौन से लेयर पे काम करती है? लेयर 4 के ऊपर। और रिलायबिलिटी के लिए कौन होता है हमारा? TCP रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे EIGRP कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, मतलब कौन से लेयर पे काम करता है? वो करता है लेयर 3 पे ऊपर, और इसके ऊपर होता है लेयर 4। तो अगर मेरा डेटा लेयर 4 या उससे ऊपर वाली लेयर पे जनरेट हो रही है, एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट हो रही है या लेयर 4 पे हो रही है, तो आपकी TCP यूज हो सकती है रिलायबिलिटी के लिए। अगर मेरा एप्लीकेशन लेयर पे कोई डेटा जनरेट हुआ है तो वो रिलायबल हो सकता है बेस ऑफ द TCP प्रोटोकॉल, क्योंकि वो डेटा कहाँ पे आएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, और रिलायबिलिटी के लिए वो TCP यूज होगा। लेकिन अब यहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है लेयर 3 पे, अब लेयर 3 पे कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि रिलायबल है? क्योंकि रिलायबिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ TCP प्रोवाइड करता है। तो लेयर 3 के ऊपर EIGRP के ऊपर जो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है वो होता है RTP, रिलायबल ट्रांसफर, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एक बार देख लेंगे फुल फॉर्म। लेकिन RTP एक प्रोटोकॉल है जो कि EIGRP के लिए रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि EIGRP के अंदर रिलायबिलिटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो हम बोल सकते हैं RTP। रिलायबल होगा, मैं दिखा देता हूँ, रिलायबल है ये, कंफर्म है, रिलायबल है, बीच का ध्यान नहीं है। RTP इन EIGRP, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। वो रियल टाइम RTP का कई सारे मीनिंग है, तो जो EIGRP जो होता है वो रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज करता है, लिखा ना RTP प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल यूज होता है रिलायबिलिटी के लिए, जो अपडेट मैसेज जो मैं भेज रहा हूँ सामने वाले को नहीं मिल रहा है, राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिट्रांसमिट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वहाँ पे? RTP, रिट्रांसमिशन के लिए। समझ में आ रहा है? रिट्रांसमिशन के लिए RTP को यूज किया जा रहा है, और ताकि अगर एक्नॉलेजमेंट अगर आ गया। अच्छा, ये भी बात है कि ये जो अपडेट मैसेज जो भेज रहा हूँ मैं यूनिकास्ट, अब मान के चलो कि सामने वाला राउटर 3 ना इंटरेस्ट, मतलब कुछ इशू आ गया, तो R1 तो बार बार अपडेट मैसेज भेजता रहेगा। इसकी भी लिमिटेशन है 16 टाइम, मैक्सिमम मैं 16 बार ही यूनिकास्ट करूंगा, कभी ना कभी तो रिसीव हो जाएगा ना। अब ऐसा नहीं कि अभी ये भी पूछा जा सकता है कि चलो यूनिकास्ट तो कर रहा है और अपडेट मैसेज R3 को नहीं मिला तो उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, तो R1 को पता है कि मेरे को R3 से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? रिट्रांसमिट करना होगा, ठीक है। अब रिट्रांसमिट की भी एक लिमिट है, मैं कितनी देर तक रिट्रांसमिट कर सकता हूँ, तो वो ये करेगा आपका 16 टाइम। जैसे 16 टाइम मान के चलो उसने अपडेट मैसेज भेजा और सामने से नहीं आया, तो सब दोबारा वो 17 टाइम वो नहीं भेजेगा, तो मतलब वो भेजेगा उसके नेबरशिप को डाउन कर लेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो ये चीज़ कौन होता है कि अगर अगर आपका जो राउटर है वो अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करता तो 16 टाइम यूनिकास्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट पैकेट भेज के दिखाता हूँ, ठीक है। ये अपडेट मैसेज, और ये जो अपडेट मैसेज होता है वो कब जाता है? पार्शल अपडेट। ये जो अपडेट मैसेज जाता है वो पार्शल जाता है, पार्शल अपडेट मैसेज होता है ये। पार्शल अपडेट का मतलब होता है जब नेटवर्क में चेंज होगा तब। मान के चलो कि आज मैंने नेटवर्क मैंने डिज़ाइन किया, EIGRP चला दिया, और मेरे 10 साल तक मेरे नेटवर्क में कोई नया नेटवर्क ऐड नहीं किया मैंने, 10 साल के बाद मैंने एक नया नेटवर्क ऐड किया, तो 10 साल के बाद ही वो अपडेट मैसेज जाएगा। तो अपडेट मैसेज कब जाता है? पार्शल। पार्शल का मतलब जब नेटवर्क में चेंजेस होगा तब। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पे एक पैकेट को कैप्चर करता हूँ, तो EIGRP के पैकेट को कैप्चर करते हैं, रिमाइंडर EIGRP। अभी कैसा मैसेज जा रहा है? सिर्फ हेलो जा रहा है। कौन भेज रहा है? सिर्फ R2। R1 को भी भेजना चाहिए। अब R1 क्यों नहीं भेज रहा, देखते हैं, क्या पता R1 के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल ना हो, क्योंकि मैंने शायद कमांड कल सेव नहीं करी थी। लेट मी चेक, R1 को ओपन करते हैं। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, इंटरफेस पे IP एड्रेस सेट नहीं है, तो आई विल से कॉन्फिगरेशन मोड, एक सेकंड, कॉन्फिगरेशन मोड
इंटरफेस 0/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 12.1.1.255.255.255.0, डू राइट कमांड दे देते हैं, डू पिंग कर लेते हैं 12.1.2 को, मैं R1 से R2 को पिंग कर रहा हूँ, यस रिचेबल हूँ मैं। अब मैं इसके ऊपर राउटर AIGRP 100 नेटवर्क 12.1.0.0.0.255, तो मैंने सिंपली मैंने AIGRP इनेबल कर दिया और नेबरशिप मेरी अप भी आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं R1 के ऊपर कौन कौन से IP हैं, एक ही IP चल रहा होगा ऑब्वियसली, शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों ने रेगुलर बेसिस पे एक छोटे छोटे ना कमांड्स के ना एक वीडियो बना बना के भेजा करूँगा, ठीक है। उससे क्या होगा, छोटे छोटे वीडियोस 10-10 सेकंड के, 5-5 सेकंड की, कैसे इंटरफेस के IP एड्रेस चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं कि प्लीज़, क्योंकि उनको ना कमांड्स खाली देखने पड़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाया करूँगा यूट्यूब के ऊपर, वो मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा। उससे क्या होगा कि एक सिंगल सिंगल लाइन की कमांड है, उस कमांड का क्या यूज़ है, आप कॉपी पेन पे भी आराम से कमांड्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं शेयर कर दिया करूँगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक ही IP एड्रेस है। अब R2 पे चलते हैं और मैं यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड देता हूँ। तो यहाँ पे 20.1.1.1 IP है, 20.2.2 है और IP एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, शो IP प्रोटोकॉल, तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ चेक करूँ, तो राउटिंग प्रोटोकॉल मेरा AIGRP चल रहा है, ठीक है, AIGRP चल रहा है 100, और यहाँ पे जो राउटिंग फॉर नेटवर्क है सिर्फ वो 12 का नेटवर्क दिख रहा है, यानी सिर्फ 12 वाला नेटवर्क एडवर्टाइज है। 20.1.1.2, अच्छा ये वाला तो है नहीं, इसके अंदर 2 वाला, तो उसको हटा देते हैं। 20.1 एंड 20.2 ये दोनों IP एड्रेसेस हैं, बट अभी मैंने इनको एडवर्टाइज नहीं किया, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइज करने से पहले मैं पैकेट को कैप्चर करके दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या जा रहा है, सिर्फ हेलो मैसेज जा रहा है। कौन भेज रहा है, R1 भेज रहा है, R2 भेज रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 पे जाके मैं नेटवर्क को एडवर्टाइज करता हूँ, 20 के किसी एक नेटवर्क को एडवर्टाइज करता हूँ। तो क्या करेगा R2, R2 इमीडिएटली एक अपडेट मैसेज सेंड करेगा, और उस अपडेट मैसेज के अंदर क्या रखेगा, उस 20 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो मैंने एडवर्टाइज किया होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर AIGRP 100 नेटवर्क 20.1.1.0.0.0.0.255। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, इमीडिएटली मेरा राउटर क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज सेंड करेगा, देखो गया, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, हाँ इकोनॉमी में आ गया, लेकिन अभी एक चीज़ हमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। एक बार पहले पेन ओपन कर ले। ये जो मैं चीज़ें आपको थोड़ी एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ मेरे, क्योंकि इसीलिए मेरा CCNA का कोर्स जो है ना कम से कम 3 महीने तक खिंच जाता है, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि AIGRP के अंदर कोई भी चीज़ मैं जब पढ़ाता हूँ थोड़ा सा अंदर जाके चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरत हो मिले, ताकि इंटरव्यू अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर इजीली दे पाओ, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या किया, R2 ने एक अपडेट मैसेज सेंड किया, कौन से एड्रेस पे किया, मल्टीकास्ट एड्रेस पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, R2 के डबल क्लिक करता हूँ, मैं इस अपडेट मैसेज को डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, अपडेट मैसेज का आपको ऑफ कोड कितना नंबर कितना होता है, 1 होता है। जैसे हमारा हेलो मैसेज का ऑपकोड नंबर 2 होता है, वैसे ही हमारा ऑपकोड में अपडेट मैसेज का क्या दिखा रहा है, ऑपकोड नंबर 1। तो पता होना चाहिए कि अपडेट मैसेज, ये कैसा मैसेज, अपडेट मैसेज है, ठीक है। अच्छा, अपडेट मैसेज के अंदर क्या भेज रहा है, ये इस अपडेट मैसेज के अंदर इस 20 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, 20.1.1.0। तो मैंने बताया कि अपडेट मैसेज के अंदर क्या, ये अपडेट पैकेट है, इस अपडेट पैकेट के अंदर 20.1.1.0/24 बता रहा है, प्रीफिक्स लेंथ भी भेज रहा है, /24 के साथ ये नेटवर्क है, ठीक है। कौन भेज रहा है, R2 भेज रहा है, किसको भेज रहा है, मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड कर रहा है। तो R2 ने एक मल्टीकास्ट किया, तो R1 को वो अपडेट मैसेज मिला होगा, तो R1 क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो R1 ने R2 को क्या भेजा, एक R1 ने R2 को क्या भेजा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजा, देखते हैं, एक्नॉलेजमेंट भेजा। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, थोड़ी सी चीजों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करता हूं। जब इसने अपडेट मैसेज भेजा ना, इसमें जब R1 ने, सॉरी
आर टू ने जब अपडेट मैसेज सेंड किया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आर टू ने एक अपडेट मैसेज सेंड किया, तो आर वन ने एक्नॉलेजमेंट करी, यस और नो? आर वन ने आर टू को एक्नॉलेजमेंट भेजी। चलिए अब समझ, अब यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ मैं। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आया है, यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट आया है आर वन से आर टू को, आर टू को कैसे पता लगेगा कि जो एक्नॉलेजमेंट आया है वो इस वाले अपडेट मैसेज का आया है? अब ये भी बात होती है, हो सकता है कि आर टू ने दो अपडेट मैसेज सेंड किए, अपडेट वन और अपडेट टू, मैं मान के चलता हूँ, और एक एक्नॉलेजमेंट आया आर टू के पास। आर टू ने क्या किया, दो अपडेट मैसेज, हम इमेजिन करते हैं कि आर टू ने दो अपडेट मैसेज सेंड किया, अभी तो फिलहाल एक किया, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं आर टू ने दो अपडेट मैसेज सेंड किया और एक का एक्नॉलेजमेंट आया। अब आर टू को कैसे पता लगेगा कि किसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है और किसकी आई है, है ना, यानी किसकी एक्नॉलेजमेंट आई है? तो इसके लिए क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। जब आर टू ने एक अपडेट मैसेज सेंड किया तो उस अपडेट मैसेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सीक्वेंस नंबर का, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, इट्स आउट ऑफ द सिलेबस बट इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो अपडेट मैसेज भेजा, देखिए ये क्वेश्चंस, अगर ये चीजें छोटी छोटी चीजों की बारीकियां अगर आपको पता होंगी ना, तो इंटरव्यू ना अगर अंदर जा जाके चीजें पूछेगा तो आपके पास हर चीज का आंसर होगा, तो आपके साथ समझ जाएगा बंदे को कि बंदे के पास कितनी अंदर की नॉलेज रखता है, तो अपने आप से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, अभी आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी मेरा CCMP का जो ग्रुप मैंने अभी रेडी किया था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज डाला अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि सर क्या CCMP करने के बाद गारंटी जॉब मिल जाएगी? मैंने कहा हाँ मिल जाती है, बस अगर आप डेडिकेशन दो और थोड़ा सा अगर चीज़ों को अंदर से थोड़ा पढ़ो, रेगुलर बेसिस पे रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, तो जॉब आपको अपने आप मिलती है, मांगनी भी नहीं पड़ती। तो कह रहा सर मैं पिछले कई सालों से अच्छे से पढ़ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं गलती होगी, तो उससे मैंने जैसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा CCNA लेवल पे, और उसका आंसर उसको नहीं पता था, तो मैंने कहा कि आपकी रिवीजन कहाँ हुई है? सर मैं भूल गया। तो मैंने कहा यही तो इंटरव्यूअर जानना चाहता, वो इंटरव्यूअर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता जो आप भूल गए हो, तो फिर आप उसको अगर आप बोलोगे सर मैं तो भूल गया या मैं उससे प्रैक्टिस नहीं, तो आपकी जॉब थोड़ी लगेगी ऐसे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरव्यूअर आपसे कहाँ से कौन सी चीज़ें पूछते हैं, और इन चीज़ों की आप रिविजन जितना करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी क्लियर होंगी। तो चलिए कम इन टू द पॉइंट अगेन। तो अपडेट मैसेज सेंड किया लेकिन एक्नॉलेजमेंट आया, तो मेरा कॉन्सर्न तो ये था कि अगर राउटर टू ने दो अपडेट मैसेज सेंड किया, अपडेट वन एंड अपडेट टू, और एक्नॉलेजमेंट आया एक का, अब ये जो आर टू है ये एक्नॉलेजमेंट कौन से राउट अपडेट मैसेज का, अपडेट वन का है अपडेट टू का, कैसे पता लगेगा? तो समझते इस चीज को, आर टू ने क्या किया होगा, जब अपडेट मैसेज सेंड किया तो उस अपडेट मैसेज के अंदर एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजता है, और जब आपका राउटर वन जब उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा होगा तो उस एक्नॉलेजमेंट के एक्नॉलेज मैसेज के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लगा के भेजेगा। तो मान के चलो इसने सीक्वेंस नंबर तीन लगा के भेजा तो एक्नॉलेजमेंट नंबर तीन लगा के भेजेगा। तो मतलब ये कौन से एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, जो आपने अपडेट मैसेज, समझते हैं इस चीज को दोबारा से, देखिए कैसा कौन समझता है। मान के चले कि आर टू ने एक अपडेट मैसेज सेंड किया, ये अपडेट मैसेज वन था, ठीक है, इसका सीक्वेंस नंबर इसने लगाया दो, एक और अपडेट मैसेज सेंड किया, ये दूसरा अपडेट मैसेज है, इसका सीक्वेंस नंबर तीन था। अब बदले में इसके पास एक एक्नॉलेजमेंट आया, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर था तीन, तो राउटर टू जब इस एक्नॉलेजमेंट को देखेगा तीन की एक्नॉलेजमेंट आई है, मतलब उसको ये वाला पैकेट मिला है, ये वाला नहीं मिला है, तो मुझे ये वाला अपडेट मैसेज मुझे क्या करना पड़ेगा, रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक्नॉलेजमेंट किसकी आई है, तीसरे वाले की आई है ना, सीक्वेंस नंबर तीन के साथ मैच हो गया, तो मतलब इसकी एक्नॉलेजमेंट आई है मेरे पास, दूसरे वाले की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो मैं इसको क्या करूंगा, रीट्रांसमिट करूंगा। अब जब रीट्रांसमिट करूंगा तो कैसा करूंगा, यूनिकास्ट, कितने टाइम तक, 16 टाइम तक, समझ में आया जी सर, जी जी वेरीफाई कर ले, तो उसमें आया होगा, वही दिखा रहा हूँ मैं, वही दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ समझाई है, जब इसी को आप देखेंगे भी, हम जो भी चीज़ बात करेंगे उसको पूरा प्रूफ करेंगे। तो अभी हम देखते हैं अपडेट मैसेज के अंदर सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेज रहा है, ये अपडेट मैसेज है, देख सकते हो ऊपर सोर्स IP किसकी आ रही है 12.2, तो
तो ये अपडेट मैसेज है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेज रहा है, तो देखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जो उसने दिया था R1 नहीं, एक्नॉलेजमेंट है, चलिए देखते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर, ध्यान दीजिए, तभी तो R2 को पता लगा ना कि उसने सामने वाले ने एक्नॉलेजमेंट दिया मेरे को, क्लियर है। अब बात आती है कि अब यहां पे एक और पॉइंट है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ, थैंक यू सो मच। अभी R2 ने अपडेट मैसेज दिया मल्टी क्लास एड्रेस पे, और इस अपडेट मैसेज के अंदर क्या है, इस अपडेट मैसेज के अंदर 20.1.1.0/24 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। चलिए देखते हैं ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला अपडेट मैसेज है, R2 ने दिया है, कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, 20.1.1.0/24 की। तो R2 के पास वो नेटवर्क था, R1 को उसने अपडेट दे दिया, ठीक है, R1 ने बदले में एक्नॉलेजमेंट दिया। अब आप ध्यान से यहां पे एक चीज देखिए, R1 भी अपडेट मैसेज सेंड कर रहा है, यस और नो, R1 भी अपडेट मैसेज सेंड कर रहा है, तो देखते कि क्या भेज रहा है ये। R1 भी एक अपडेट मैसेज सेंड कर रहा है, इस अपडेट मैसेज के अंदर क्या दे रहा है, देखिए जरा क्या भेज रहा है, ये सेम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेज रहा है। मतलब समझिए इस चीज को, मैं R2 हूं, आप R1 है, मैंने आपको एक अपडेट मैसेज सेंड किया, ये लो भैया 20 वाला नेटवर्क, 20.1.1.0 वाला नेटवर्क, अगर आपको मिल जाए तो आप एक्नॉलेजमेंट दे देना। तो आपको मिला, आपने उसके बदले में एक्नॉलेजमेंट दे दिया, लेकिन आपने वही अब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपने मुझे दोबारा दे दी, इसका मतलब जो मैं आपको दिया आपने मुझे रिटर्न कर रहे हो, मतलब दोबारा वही पैकेट मुझे भेज रहे हो, इसके मतलब इसके नेटवर्क में क्या बन सकता है, लूप बन सकता है ना, ये लूप बनने के चांसेस है इसमें। तो मैंने आपको जो पैकेट भेजा आपने रख के वापस मुझे भेज दिया वही सेम इंफॉर्मेशन, जो नेटवर्क मैंने आपको दिया वो इसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आप मुझे क्यों दे रहे हो, व्हाई, ये कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया गया एक्चुअल में। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं आपको अपडेट मैसेज भेज रहा हूँ, फिर आप मुझे भेज रहे हो, फिर मैं आपको वही भेजूंगा, फिर आप मुझे भेज रहे हो, इससे नेटवर्क में क्या बन रहा था, फिर लूप बन रहा था। R2 ने एक अपडेट सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट मिला, बदले में सेम अपडेट मैसेज R1 ने दोबारा भेज दिया, जबकि भेजने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनना था, इसको क्यों भेजा भाई, जो मेरे पास पड़ा हुआ पहले से तो मुझे क्यों दे रहे हो यार, मैंने ही आपको दिया इन्फॉर्मेशन, आप मुझे दोबारा दे रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आज फलानी जगह ये चीज़ हुई है, आपको दिया मैंने, आप उसे हाँ फलानी जगह वही चीज़ हुई, आपने वो चीज़ रिपीट कर दी, फिर मैं आपको वो चीज़ दूंगा, तो इस चीज़ में नेटवर्क में क्या बन सकता है, लूप बन सकता है। तो इसको बोलते हैं लूप, लेकिन AIGRP के अंदर लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या होता है, जब R2 ने अपडेट मैसेज को सेंड किया था और R1 ने उसको रिसीव किया, तो उसको उसने एक्सेप्ट करके अपने राउटिंग टेबल में अपडेट किया, लेकिन R1 ने जो अपडेट मैसेज सेंड किया उसको R2 ने ड्रॉप कर दिया। R2 ने एक अपडेट मैसेज भेजा, ये लो भैया 20.1.1.0/24 का नेटवर्क मिल गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गया। R1 ने फिर एक अपडेट मैसेज का, लो भैया 20.1.1.0/24, लेकिन R1 जब उस अपडेट मैसेज को दोबारा सेंड करेंगे ना R2 की तरफ वापस, उस अपडेट मैसेज के अंदर वो बोल रहा होगा, ए R2 भैया इस अपडेट मैसेज को अपने पास स्टोर नहीं करना है, ड्रॉप कर देना है। मतलब R1 जो रिपीट अपडेट मैसेज भेज रहा है उसके अंदर ये R1 बोल रहा होगा, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट दिस मैसेज, क्योंकि ये लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे मैंने अपडेट मैसेज भेजा, सामने वाले ने दोबारा से वही अपडेट मैसेज घुमा के मुझे को मार दिया वापस, लेकिन उसमें वो बोल रहा होगा प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट मत करना। लेकिन ऐसे कैसे समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो समझते हैं इस चीज़ को। जब R2 उस अपडेट मैसेज को सेंड कर रहा होगा उसमें एक डिले का कॉन्सेप्ट होता है, डिले उसमें एक नंबर होगा, एक नॉर्मल सा नंबर होगा। तो जब R1 ने अपडेट मैसेज देखा उसके अंदर देखा डिले कितना लग के आ रहा है, एक नंबर है डिले के अंदर, जो भी है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डिले में एक नंबर आ रहा है और वो ये नंबर एक जेन्युइन नंबर है, मान जाएगा वो और उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा।
लेकिन आर वन जब इस अपडेट मैसेज को दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा आर टू की तरफ, दोबारा से भेजेगा, उसमें डिले को क्या कर देगा वो, इसमें डिले को लिख देगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है कि अगर आपको किसी अपडेट मैसेज के अंदर इनफाइनाइट डिले मिले तो उस पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करना है, उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो अभी यहां पे अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, जब R2 ने एक अपडेट मैसेज सेंड किया था, सबसे ऊपर वाला जो R2 वाला है, डबल क्लिक करते हैं, यहां पे जब मैं इसको इंटरनल ओपन करूंगा तो इंटरनल राउट्स को जब ओपन करूंगा तो यहां पे 20 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, 20.1.0/24। यहां पे एक डिले भी मिलेगा हमको, देखते हैं अभी डिले कहां मिलता है। विड्थ मैट्रिक इसको ओपन करते हैं, ये रहा, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, इसको कैसे ओपन किया, कहां कहां से मैंने इसको एक्सपेंड किया दिखाया, मैंने ये आपका EIGRP को एक्सपेंड किया यहां से, उसके बाद मैंने यहां पे इसको एक्सपेंड करने के बाद इंटरनल राउट्स को एक्सपेंड किया यहां पे, और वहां पे विद मैट्रिक को एक्सपेंड किया, तो वहां पे मुझे एक डिले मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, डिले के अंदर एक वैल्यू दी हुई है, तो R2 ने एक अपडेट मैसेज सेंड किया, उसके अंदर डिले के अंदर एक वैल्यू दे दी, तो R1 उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर R1 क्या करेगा, इसी अपडेट मैसेज को दोबारा देके मारेगा R2 को वापस। तो R2 की अपडेट मैसेज को ओपन कर रहे हैं R1 की, सॉरी, अब R1 ने अपडेट मैसेज दोबारा से भेजा, सेम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 दे रहा था, ऐसे तो नेटवर्क में लूप बन गया, लेकिन नहीं, अब इस लूप को बचाने के लिए क्या करेंगे, इसे लूप ना बने इसलिए क्या करेगा, ये जो R1 है इस डिले के अंदर, अब आप देख सकते हैं यहां पे डिले के अंदर क्या लिख के भेज रहा है, इनफाइनाइटी। इसका मतलब इस अपडेट मैसेज को एक्सेप्ट, डू नॉट एक्सेप्ट। तो लूप अवॉइडिंग मैकेनिज्म के लिए हमारा यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्प्लिट होराइजन, स्प्लिट होराइजन, स्प्लिट होराइजन क्या है, एक लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है कि अगर मैंने आपको एक अपडेट मैसेज भेजा तो आप उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करोगे विद इनफाइनाइट डिले, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट होराइजन। तो जिससे क्या होगा, आपके नेटवर्क में लूप नहीं बनेगा। तो अगर आप इस स्प्लिट होराइजन का अगर आप गूगल भी करेंगे तो उसका मीनिंग भी यहीं पे ऐसा ही कुछ लिखा होगा, स्प्लिट होराइजन। सो व्हाट इज स्प्लिट होराइजन, देखते हैं व्हाट इज स्प्लिट होराइजन। तो सिंपल सा है, स्प्लिट होराइजन मेथड यूज बाय डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, हमारा यही हमारा है, क्या बोलते हैं ये, क्या खुल गया, प्रिवेंट द नेटवर्क राउटिंग लूप्स, ये राउटिंग के लूप्स को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सिंपलर द नेवर सेंड द राउटिंग इंफॉर्मेशन बैक टू डायरेक्शन इन विच इट वाज रिसीव्ड। तो मतलब जो उसने रिसीव किया उसको दोबारा डायरेक्ट बैक ना मार दे, तो बैक तो मार रहा है लेकिन क्या कर रहा है, उसके अंदर डिले को इनफाइनाइट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी क्या हो रही है, आपकी राउटिंग लूप को वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो दिस इज द मेथड, ये पूछा जाता है कई बार इस चीज़ें, ठीक है, कि स्प्लिट होराइजन का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या यूज़ है, दूसरा कि यहाँ पे डिले इनफाइनाइट का मतलब क्या है। तो अगर किसी अपडेट मैसेज के अंदर डिले इनफाइनाइट लिख के आ रहा है तो उसका मतलब कि उस राउटिंग अपडेट को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। क्लियर है ना सर ये चीज़, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा अपडेट मैसेज और एक्नॉलेजमेंट मैसेज। जो क्वेरी एंड रिप्लाई है वो हमारा इसका पार्ट नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी और बहुत अलग अंदर की कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जो क्वेरी एंड रिप्लाई वाला मैसेज है वो हमारा CCNP के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस चीज़ के समझने के लिए बहुत सारी अदर चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैसेज का समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट है EIGRP का, अपडेट मैसेज, हेलो मैसेज एंड ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट पर हम डिस्कस कर रहे हैं
अच्छा, जो मैंने बताया था आपको कि जो राउटर है, अगर मेरे पास ये 1 2 3 4 5 राउटर, तो मैक्सिमम कितने राउट्स वो ऐड कर सकता है? 5, ठीक है, 4, सॉरी 4 कर सकता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ करके, कि अगर दो से ज़्यादा अगर राउटर के पास पाथ होंगे तो उसको क्या काम करेगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, EIGRP टेबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। EIGRP टेबल्स के बारे में उसको हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। EIGRP टेबल्स, अब EIGRP में ना टोटल, EIGRP में टोटल 3 टेबल्स होती हैं। एक होती है हमारी नेबर टेबल, दूसरी होती है हमारी टॉपोलॉजी टेबल, और तीसरी होती है हमारी राउटिंग टेबल। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अगर गूगल करेंगे कि हाउ मेनी टेबल इन EIGRP, आपको ये 3 ही टेबल्स मिलेंगे। चलिए मैं करके भी दिखा देता हूं। अगर हम ये बोलें हाउ मेनी टेबल्स, या फिर EIGRP टेबल्स, ये देखिए नेबर टेबल, टॉपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। बट रियल अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो EIGRP के पास सिर्फ ये दो जो टेबल होती है ये EIGRP से रिलेटेड होती है। राउटिंग टेबल तो राउटर के पास तब भी होती है जब उसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होता है, यानी अगर आप कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यानी EIGRP नहीं भी चलाओगे तब भी तो राउटिंग टेबल है ना। तो ये अगर मैं बात करूं कि जो इंटरनेट में जो चीज़ें मिलती हैं वो भी लिखने वाले तो हम लोग लोग ही होते हैं, इंसान ही होते हैं जो ब्लॉग्स लिखते हैं। लेकिन ये अगर मैं लॉजिकली की बात करूं तो EIGRP के पास दो टेबल होती हैं, नेबर टेबल एंड टॉपोलॉजी टेबल। राउटिंग टेबल को भी कई बार लोगों ने बताया कि ये इज अ पार्ट ऑफ द EIGRP। नो, EIGRP के पास नेबर टेबल एंड टॉपोलॉजी टेबल होती है, जो राउटिंग टेबल है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द EIGRP। लेकिन EIGRP के अंदर ही राउटिंग टेबल का क्या यूज है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, देखो सबसे पहले ना नेबर टेबल बनती है, उसके बाद टॉपोलॉजी टेबल बनती है, और उसके बाद टॉपोलॉजी टेबल से राउट्स उठ के राउटिंग टेबल में जाता है। अब ये कैसे होता है, अब हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझ रहे हैं इन टेबल्स की बनने की प्रोसेस को, कि कैसे टेबल्स बनती हैं। R1, R2, इसका आईपी है 12.1.1.1, इसका आईपी है 12.1.1.2, और R2 के पास एक नेटवर्क है 20.1.1.0/24। तो मैं जैसे ही राउटर 1 पे, राउटर 2 पे, EIGRP चलाऊंगा तो सबसे पहले ये क्या भेजेगा, एक हेलो मैसेज भेजेगा, और इधर से भी क्या भेजेगा, एक हेलो। जब दोनों राउटर एक दूसरे को हेलो को रिसीव करेंगे और उनके पैरामीटर मैच हो जाएंगे तो ये लोग क्या फॉर्म कर लेंगे, नेबरशिप। और नेबरशिप फॉर्म करते ही जो पहली टेबल बनती है वो बनती है आपकी नेबर टेबल। ये सीक्वेंस ऐसी बनती है, हेलो मैसेज एक्सचेंज होंगे, नेबरशिप फॉर्म होगी, नेबरशिप फॉर्म, उसके बाद नेबर टेबल बनाएंगे। और नेबर टेबल में क्या रखेंगे, R1 बोलेगा मेरा नेबर कौन है, R2, और R2 क्या बोलेगा मेरा नेबर कौन है, R1। दैट्स इट। उसके बाद नेबर टेबल बनने के बाद R2 क्या करेगा, अपना एक अपडेट मैसेज सेंड करेगा। अपडेट मैसेज सेंड करेगा, R1 के पास जाएगा, और R1 क्या करेगा उस अपडेट मैसेज को रिसीव करने के बाद, उसके अंदर क्या है 20.1.1, हाँ एक्नॉलेज भेजेगा भेजेगा, साथ में जैसी अपडेट मैसेज को रिसीव करेगा उसके बाद R1 क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा, टॉपोलॉजी टेबल। और उस टॉपोलॉजी टेबल के अंदर 20.1.1.0/24 के नेटवर्क को रख देगा। नेबर टेबल में क्या रखा उसने, 12.1.1.2 मेरा नेबर है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद R2 ने क्या भेजा, एक अपडेट मैसेज, अपडेट मैसेज रिसीव किया R1 ने, R1 ने रिसीव किया तो देखा उसके अंदर 20.1.1.0/24 का एक नेटवर्क लग के आ रहा है। तो R1 क्या करेगा, एक टॉपोलॉजी टेबल बनाएगा और उस टॉपोलॉजी टेबल के अंदर उसको रख देगा, और रखने के बाद फिर ये क्या भेजेगा, इसको एक एक्नॉलेजमेंट। अब R1 के पास टॉपोलॉजी टेबल बन गया,
अब देखा कि R1 के टॉपोलॉजी टेबल में एक राउट आया R2 से। अब मैंने आपको बताया था कि AIGRP के अंदर एक एक एल्गोरिदम होता है जिसको बोलते हैं डुअल एल्गोरिदम, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम, डी फॉर डिफ्यूजिंग, यू फॉर अपडेट, AL फॉर एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या करेगा, इस पूरे टॉपोलॉजी टेबल को रन होगा अपने आप, मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने आप रन होगा। और रन होने के बाद उसको दिखा कि 20.1.1.0 एक नेटवर्क है टॉपोलॉजी टेबल में। अब वो डुअल एल्गोरिदम क्या करेगा, इस रन करने के बाद इस नेटवर्क को लेकर आ जाएगा राउटिंग टेबल के अंदर 20.1.1.0/24 वाया 12.1.1.2। मतलब जब आप एक राउटिंग सॉरी एक जब नेटवर्क को आप यहाँ पे ऐड करके उसको एडवर्टाइज करते हो तो आप देखते हो कि राउटिंग टेबल में इसके आ जाती है, उसका कि डी लिखा हुआ आता है, उसके पीछे ना ये सारी कहानियां होती हैं। तो राउटिंग टेबल में कैसे आती है वो, सबसे पहले राउटर क्या करते हैं एक दूसरे के साथ नेबरशिप फॉर्म करते हैं, नेबर टेबल बनाते हैं। नेबर टेबल बनाने के बाद राउटर टू क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज सेंड करेगा, उसके अंदर अपने उस 20 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन लिख के देगा। जैसे ही R1 उस अपडेट मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद खोलेगा, उसके अंदर 20 का नेटवर्क है। अब उसको मुझे कहाँ रखूंगा, मैं टॉपोलॉजी टेबल में रखूंगा। तो एक टॉपोलॉजी टेबल बनाएगा, उसके अंदर उस नेटवर्क को रखेगा, रखने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा सामने वाले को, यस मेरे को आपका अपडेट मैसेज मिल गया है। उसके बाद R1 क्या करेगा, एक डुअल एल्गोरिदम प्रोग्राम को रन करेगा, अपने आप से हो रहा सारी चीज़ें। एल्गोरिदम रन होने के बाद क्या होगा, इस टॉपोलॉजी टेबल को उठा के कहाँ डाल देगा, राउटिंग टेबल में। तो टॉपोलॉजी टेबल में भी आपको राउट देखने को मिलेगा और राउटिंग टेबल में भी, लेकिन पहले टॉपोलॉजी टेबल बनती है, राउटिंग टेबल तो पहले से होती है राउटर के पास। टॉपोलॉजी टेबल में राउट्स को रखेगा, डुअल एल्गोरिदम को रन करेगा, उस एल्गोरिदम उस राउट्स को क्या कर देगा, कॉपी कर देगा राउटिंग टेबल में। तो आपको अगर मैं दिखाऊं R1 पे चल के उसकी राउटिंग टेबल नेबर टेबल तो आपको दिखेगा। तो R1 पे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ शो IP AIGRP नेबर। इस कमांड से आप क्या देखते हो, R1 की नेबर टेबल। तो नेबर टेबल कैसे देखते हैं, शो IP AIGRP नेबर्स, एंटर मारेंगे तो ये नेबर टेबल देखने की इन्फॉर्मेशन है, बता रहा है R1 12.1.1.2 है R1 का नेबर, और ये नेबर कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, 0x0 से। अच्छा नेबरशिप को आप आयो कितना टाइम हो चुका है, 27 मिनट हो चुके हैं, ठीक है ओके। नेक्स्ट लास्ट सिक्वेंस नंबर इसने कितना रिसीव किया था, 3, याद होगा आपने जब मैंने एक सिक्वेंस नंबर से अपडेट मैसेज सेंड किया था R3 की तरफ, तो लास्ट सिक्वेंस नंबर इसने जो रिसीव किया था 3। यानी अगर मैं R1 के ऊपर ना सॉरी R2 पे एक और नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं तो एक और अपडेट मैसेज मिलेगा उसको, सिक्वेंस नंबर क्या लगा के भेजेगा, वो 4 लगा के भेजेगा। चलिए देखें किस चीज़ को, चलिए शो, अच्छा ये शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एक शायद एक हाँ 20 वाला नेटवर्क है ना, तो इसको भी एडवर्टाइज करते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे वायशाक। AIGRP अभी भी पैकेट जा ही रहे हैं राइट, एक बार देख लेते हैं, हाँ जा रहे हैं ठीक है। तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ, वापस से मैं नेटवर्क, ओहो अब हम करते हैं इसको नेटवर्क, अच्छा राउटर AIGRP 100 नेटवर्क 20.2.2.0 गए अपडेट मैसेज, एक फिर से R2 ने भेजा ना। चलिए सीक्वेंस नंबर देखें कितना भेजा इसने, सीक्वेंस नंबर 4, हमेशा इंक्रीमेंट बाय 1 होता है। तो अभी देखिए R1 की राउटिंग टेबल में जब हम जा रहे थे तो लास्ट अपडेट मैसेज सीक्वेंस नंबर से मिला था उसको 3 से मिला था राइट, अब कितने से मिला होगा उसको, 4 से। समझ में आया ना सर, स्टॉप कर देता है। तो ये अपडेट मैसेज गया था सीक्वेंस नंबर 4 लगा के, बाद में R1 ने क्या भेजा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजा, और एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस नंबर है वो 4 का आ रहा है। तो मतलब R2 ने एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीव कर लिया। तो अगर मैं R1 की नेबर टेबल में जाके देखूँ तो R1 को एक अपडेट मैसेज मिल गया है। तो
इसलिए लास्ट सीक्वेंस नंबर किससे मिला था, चार से मिला था, इसलिए लास्ट सीक्वेंस नंबर, तो यहाँ पे पता लगता है कि लास्ट सीक्वेंस नंबर क्या है ये चीज के लिए, ठीक है। अच्छा, नेबर टेबल देखने के लिए कमांड क्या थी, शो आई पी आई जी आर पी नेबर। अगली कमांड है हमारी शो आई पी आई जी आर पी टॉपोलॉजी, ये कमांड है टॉपोलॉजी टेबल देखने के लिए, शो आई पी आई जी आर पी टॉपोलॉजी, एंटर। तो देखिए वो 20 वाला नेटवर्क आ रहा है ना, इसमें 20.1.1.0, 20.2.2.0, ये कहाँ पे मिल रहा है मुझे, टॉपोलॉजी टेबल में। अब इस टॉपोलॉजी टेबल के अंदर से क्या किया उसने, उठा के कहाँ पे ले गया, शो आई पी राउट। आगे की चीजें बताऊंगा अभी, ये आगे की चीजें, सिर्फ हमें ये अभी यहाँ पे फोकस रखना, अभी ये भी बताऊंगा सक्सेसर क्या होता है, एफ डी क्या होता है, ये आगे के टॉपिक्स हैं इसी के अंदर ही, तो बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डी 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 कर, ये राउटिंग टेबल में आ रहा है ना, 20 वाला नेटवर्क, 22 वाला नेटवर्क, क्लियर है। हाँ, तो डुअल एल्गोरिथम के थ्रू, तो क्या हुआ होगा, पहले नेबर टेबल बनी, नेबर टेबल बनने के बाद एक अपडेट मैसेज रिसीव किया, उसके बाद टॉपोलॉजी टेबल में लेके गया उन अपडेट उस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को, और डुअल एल्गोरिथम को रन किया, और रन करने के बाद कहाँ पर डाल दिया, उठा के राउटिंग टेबल में, क्लियर है। ये प्रोसेस समझ में आया कि राउटिंग टेबल में राउट्स किस तरीके से आती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मैसेज का, एंड प्लस हमारे टेबल्स के, ठीक है। अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ आपको। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं यहाँ पे पैसिव इंटरफेस का। पैसिव इंटरफेस बेसिकली क्या है कि अगर आप राउटर के किसी इंटरफेस को अगर आप पैसिव बना देते हो तो उस वाले इंटरफेस पे कभी हेलो रिसीव नहीं होगा और ना ही कभी हेलो जाएगा। पैसिव इंटरफेस हम बनाएंगे क्यों, उसको समझते हैं। हाँ, पैसिव इंटरफेस ऐसा इंटरफेस होता है, अगर आप ये जे आर पी में किसी भी इंटरफेस को अगर राउटर के पैसिव बना देते हो तो उस वाले इंटरफेस पे ना तो कभी हेलो सेंड होगा और ना ही हेलो रिसीव किया जाएगा। हेलो, अच्छा अमित विकास अभी आए, तो हेलो ना तो रिसीव होगा और ना ही वहाँ से उस वाले इंटरफेस पे कभी हेलो को सेंड किया जाएगा। समझते इस चीज़ को एक एग्जांपल से, देखो मेरे पास राउटर वन है, इससे कनेक्टेड राउटर टू है, इस राउटर वन से एक स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पे मेरे पास कुछ यूजर्स हैं। अब यहाँ पे 12.1.1.0/24 का नेटवर्क चल रहा है, मतलब 12.1.1 आईपी है, इसका आईपी हेडर 12.1.1.2 है और इस वाले इंटरफेस के ऊपर आईपी है मान के चलो 10.1.1.1। तो यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 10.1.1.0/24 और यहाँ चल रहा है 12.1.1.0/24। अब जैसे मैं राउटर के ऊपर ये एचआरपी चलाऊंगा और इन दोनों इंटरफेसेस को एडवर्टाइज करवाऊंगा तो ये राउटर क्या करेगा, इस वाले इंटरफेस से हेलो सेंड करेगा, यस और नो, और इस वाले इंटरफेस पे भी हेलो सेंड करेगा, यस और नो, बताइए ऐसे होगा विकास, आप भी बताओ यही होगा। जब हम कभी राउटर के इंटरफेसेस को जब हम एडवर्टाइज करते हैं ये एचआरपी प्रोटोकॉल के अंदर तो उस वाले इंटरफेस से इमीडिएटली क्या जाना शुरू हो जाता है, हेलो, और हेलो कितने सेकंड में जाता है, एवरी 5 सेकेंड। तो एवरी 5 सेकेंड हेलो इधर जा रहा है, ऑब्वियसली यहाँ जाना चाहिए राउटर टू को, तभी तो पता लगेगा R1 ने मेरा जिंदा है। लेकिन अब हेलो मैसेज यहाँ पे आया, अब ये हेलो कैसा होता है मेरा, मल्टीकास्ट होता है ना, मल्टीकास्ट होता है, तो स्विच अपने इस इंटरफेस पे एक मल्टीकास्ट पैकेट रिसीव करेगा तो उसको कैसे ट्रीट करेगा, ब्रॉडकास्ट, तो वो क्या करेगा उस हेलो मैसेज को इन तीनों सिस्टम्स को दे देगा। बाद के चलते हैं कि इस स्विच के साथ एक और स्विच कनेक्टेड है, यहाँ भी मेरे पास कुछ यूजर्स हैं, इधर एक और स्विच कनेक्टेड है, इधर भी मेरे पास कुछ यूजर्स कनेक्टेड हैं, तो वो हेलो मैसेज जो था मल्टीकास्ट वो इधर आया, स्विच ने यहाँ रिसीव किया, इन इंटरफेस को दे दिया, मल्टीकास्ट को ब्रॉडकास्ट इधर भेज दिया, इधर रिसीव किया, इधर आया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर आया। तो मतलब यहाँ तो मल्टीकास्ट जा रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, बट यहाँ क्यों भेज रहा है, भेजना चाहिए इसको, ये सुनो, नहीं भेजना चाहिए ना, आपके जब ये सिस्टम्स उस हेलो पैकेट को रिसीव करेंगे ड्रॉप कर देंगे, हेलो थोड़ी समझते हैं वो, आपके लिए वो पैकेट है ही नहीं। याद होगा अगर आपने मुझे कभी गौर किया होगा, कहीं पे ऐसा ना भाषण चल रहा है, ऐसी भाषण दिए जा रहे हैं
लेकिन उन भाषण से ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो भी है, तो आप क्या करते हो, आप उस भाषण को इग्नोर करके इधर उधर देखना लगते हो, लेकिन अननेसेसरी उस भाषण की जो गूंज है वो आपके कानों तक पहुंच रही है, आप इरिटेट हो रहे हो। एग्जाम्पल ऐसे होता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है आर वन भी वही भाषण जो है स्विच को दे दिया, स्विच ने सबको दे दिया, जो मेरे सिस्टम्स हैं इनको इस भाषण से कोई मतलब नहीं है, वो भाषण को क्या कर रहा है इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी उनकी जो कानों में उसकी गूंज तो पड़ रही है ना, तो इसका मतलब है कि मेरे जो स्विच जो सिस्टम्स हैं जो स्विच से कनेक्टेड हैं वो उनकी अननेसेसरी उसकी प्रोसेसिंग पावर यूज़ कर रहे, क्योंकि पैकेट को उसने देखा हेलो पैकेट है मेरे लिए तो है ही नहीं, ड्रॉप कर दिया, फिर 5 सेकंड के बाद आए अरे मेरे लिए हेलो पैकेट है मेरे लिए तो नहीं है, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आपका सिस्टम तो हेलो मैसेज नहीं समझते, क्योंकि सिस्टम्स को पता ये चल नहीं रहा है, तो अननेसेसरी इन लिंक के ऊपर क्या हो रहा है बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, यस और नो? नहीं नहीं 16 नहीं, हेलो तो एवरी 5 सेकंड चलता रहेगा, वो तो अपडेट मैसेज की बात कर रहे हो आप, ये हेलो हेलो मैसेज, हेलो मैसेज क्या होता है नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए प्लस नेबरशिप को मेंटेन करने के लिए, तो आर वन के दोनों इंटरफेसेस को जब आप एडवर्टाइज करवाओगे EIGRP के अंदर आर वन दोनों इंटरफेसेस के अपना हेलो मैसेज एवरी 5 सेकंड भेजता रहेगा भेजता रहेगा भेजता रहेगा एवरी टाइम अनंत टाइम तक, जब तक ये नेटवर्क जिंदा है, जब तक राउटर का इंटरफेस जिंदा है अप है तब तक भेजता रहेगा। तो चलो R1 R2 की तरफ हेलो मैसेज भेज रहा है ये बताने के लिए मैं जिंदा हूँ, ठीक है, लेकिन R1 जो हेलो मैसेज स्विच की तरफ भेज रहा है और वो स्विच सबको क्या कर रहा है ब्रॉडकास्ट, और आपके जो सिस्टम्स हैं उनको वो अननेसेसरी हेलो पैकेट मिल रहे हैं और वो पैकेट्स क्या कर रहे हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं, जब वो पैकेट उनके लिए है ही नहीं तो क्यों भेज रहा हूँ मैं, पहली बात, और अगर भेज रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ये कि आप अननेसेसरी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हो उन लिंकों की, दूसरी चीज कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो अननेसेसरी उस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, भाई पैकेट को होल्ड कर रहे हैं देख तो रहे हैं क्या है नहीं है या हेलो है नहीं है ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो जो पैकेट को ओपन करके देख के जो ड्रॉप कर रहे हैं उनमें उसकी प्रोसेसिंग पावर यूज हो रही है, और आपके जो लिंक है इनकी अननेसेसरी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, जो कि वो हेलो मैसेज वहां के लिए जाना ही नहीं चाहिए था, ये प्रॉब्लम है नेटवर्क में, आपकी नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तब हम क्या करेंगे हम राउटर के उस इंटरफेस को यानी इस वाले इंटरफेस को क्या बना देंगे, इस वाले इंटरफेस को क्या बना देंगे पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस बनाने से दो फायदे होंगे, पहला फायदा कि आपका R1 उस वाले इंटरफेस से कभी हेलो भेजेगा नहीं, अब हेलो नहीं भेजेगा तो स्विच में नहीं मिलेगा, सिस्टम्स को नहीं मिलेंगे, तो आपकी अननेसेसरी जो बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही थी उन लिंक के ऊपर वो बच जाएगा, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, दूसरी चीज जो आपकी सिस्टम्स की जो अननेसेसरी जो प्रोसेसिंग पावर यूज हो रही थी वो बंद हो जाएगी होनी, तो एक पैसिव इंटरफेस हम उस इंटरफेस को बनाते हैं जहां पे हमें हेलो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, समझिए इस चीज को, और दूसरा इसके इससे एक और आपका सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट हो जाती है, पैसिव इंटरफेस से आपकी सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट हो जाती है, कैसे समझते हैं, इतना समझ में आया कि यहाँ पे जो अननेसेसरी जो बैंडविड्थ जो हेलो जाता वो बंद हो रहा था पैसिव इंटरफेस, इसी समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे इस पैसिव इंटरफेस में, ये जो हेलो वाला मैसेज का कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा था, ठीक है विकास आपको समझ में आया इतना जितना आपने ज्वाइन किया अभी तक, हेलो मैसेज का जो कॉन्सेप्ट है पैसिव इंटरफेस से क्या हो रहा था, विकास अगर आप शिफ्ट अगर क्लास में हो अभी आप ज्वाइन, हाँ समझ आया ना, ठीक है गुड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखिए आपका हेलो मैसेज R1 R2 की तरफ भेज रहा है वो जाना चाहिए, अगर R2 को हेलो मैसेज नहीं मिलेगा तो R1 को क्या मान लेगा डेड मान लेगा, वो तो नेबरशिप फॉर्म डाउन कर सकता है उसके साथ, इसीलिए R1 अगर R2 की तरफ हेलो भेज रहा है वो जाना चाहिए, वो प्रॉब्लम नहीं है वो ठीक है, लेकिन R1 जो स्विच की तरफ हेलो भेज रहा है और वहाँ पे सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे उस सिस्टम्स के ऊपर हेलो जा रहे हैं, क्योंकि जो आपका हेलो होता है वो मल्टीकास्ट होता है, और जब स्विच एक मल्टीकास्ट पैकेट को रिसीव करता है तो वो ब्रॉडकास्ट की तरह सबको ट्रीट करता है वो, तो स्विच ने वो क्या किया सबको दे दिया, तो यहाँ से जो आपकी जो सिस्टम्स हैं अननेसेसरी उनको हेलो पैकेट्स मिल रहे हैं जो कि वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं R1 के इस वाले इंटरफेस पे जहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है वहाँ पे मैं उस वाले इंटरफेस को क्या बना दूंगा पैसिव। पैसिव इंटरफेस बनाते ही क्या करेगा R1 उस वाले इंटरफेस से हेलो भेजना बंद कर देगा, हेलो भेजना बंद कर दिया, अब इससे क्या हुआ कि आपके इन सिस्टम्स को कभी हेलो मिलेगा नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, जिससे आपके लिंक की जो अननेसेसरी जो कंजप्शन हो रहा था हेलो के वजह से वो बच गया, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, दूसरी चीज आपके इन सिस्टम को जब वो हेलो पैकेट मिल रहे थे तो उनको ओपन करके ड्रॉप कर रहे थे वो,
हेलो पैकेट है, अच्छा मेरे लिए तो है नहीं, हेलो पैकेट अच्छा मेरे लिए तो है नहीं, बार बार ड्रॉप कर रहे थे। क्यों ड्रॉप कर रहे थे? क्योंकि वो पैकेट उनके लिए था ही नहीं। तो उसको ओपन करने में उनकी कुछ ना कुछ तो पावर कंजप्शन यूज़ हो रहा था, वो भी बच गया। तो दो फायदे मुझे मिले यहाँ पे, बैंडविथ भी मेरी बच गई कंजप्शन जो अननेसेसरी लिंक पे हो रहा था, दूसरा उस प्रोसेस उस सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर भी अननेसेसरी जो यूज़ हो रही थी वो भी मैंने बचा ली एक छोटे से इस इंटरफेस को पैसिव बनाने से। अब इससे मेरे एक और बेनिफिट मिला, क्या उसको समझते हैं। मेरा राउटर वन है, आगे कनेक्टेड है राउटर टू के साथ, यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। अब इन सिस्टम्स के अंदर ना एक बंदा थोड़ा शैतान है, बदतमीज किस्म का बंदा है, ये आपके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहता है। अब समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ध्यान से समझिएगा। आपका राउटर के ऊपर AIGRP चल रहा है, तो यहाँ से हेलो भेज रहा है और इधर भी हेलो भेज रहा है। इस हेलो के अंदर क्या भेजता है, वो AS नंबर भेजता है, ऑथेंटिकेशन लगा होता है तो भेजता है, चलिए ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ तो नहीं भेजेगा, तो AS नंबर भेजता है और मैट्रिक वेट भेजता है, और यही दो पैरामीटर मैच होने चाहिए नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए। अब इधर हेलो आ रहा है, ठीक है, इधर भी हेलो जा रहा है, हेलो जा रहा है तो स्विच यहाँ पर रिसीव कर रहा है, इधर भी भेज 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 रहा है। अब ये थोड़ा अटैकर टाइप का बंदा है आपके नेटवर्क में, इसलिए देखा कि मेरे पास ना हेलो पैकेट्स आ रहे हैं, ओके ठीक है, उसने पैकेट को कैप्चर किया, ओपन किया, अच्छा AS नंबर 100 यूज़ कर रहा है, AS नंबर यूज़ हो रहा है 100, और ये मैट्रिक वेट यूज़ हो रही है। बहुत सारे ऐसे टूल मिल जाते हैं जो अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो और अपने सिस्टम को भी एक राउटर बना सकते हो। तो इस अटैकर ने क्या किया, एक टूल इंस्टॉल किया, अपने टूल को इंस्टॉल किया, कुछ भी हो सकता है, एक टूल को इंस्टॉल किया और उस टूल की मदद से इसने अपने ऊपर भी क्या चला लिया, AIGRP प्रोग्राम चला लिया, प्रोटोकॉल को चला लिया। अब प्रोटोकॉल चला लिया तो उसने AIGRP के अंदर AS नंबर 100 डाल दिया और मैट्रिक वेट डाल दी, इधर से हेलो मिल ही रहा था, इधर से भी हेलो जाना शुरू हो गया। अब इस वाले इंटरफेस में हेलो मिला, राउटर ने पैरामीटर मैच किया, इसके साथ क्या बना लिया, नेबरशिप। अब इसने ना एक डोजी सिस्टम के साथ नेबरशिप बना ली इसने। अब ये बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने 10 लाख डमी राउट्स बना दिए नेटवर्क्स, जैसे हम लूप बैक बनाते हैं, एक स्क्रिप्ट की मदद से उसने 10 लाख डमी नेटवर्क्स बना दिए और उठा के इसको दे दिया। अब ये जो राउटर है, इस राउटर की राउटिंग टेबल में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये 10 लाख राउट को अपने राउटिंग टेबल में स्टोर कर पाए, जिससे क्या होगा, इसकी राउटिंग टेबल क्रैश हो जाएगी, जिससे नेटवर्क में क्या हो जाएगा, डाउन टाइम आ जाएगा, एक अटैकर होने के चांसेस हैं ये अननेसेसरी हेलो भेजने का की वजह से। देखो R2 की तरफ जा रहा है हेलो, वो जायज है, लेकिन ये स्विच की तरफ भेज रहा है, वहां पे कोई राउटर है ही नहीं, वहां तो सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, वहां भी हेलो भेज रहा है, लेकिन उस हेलो की मदद से एक अटैकर ने उसका फायदा उठाया, उसने क्या किया, अपने सिस्टम पे एक टूल इंस्टॉल किया और अपने सिस्टम को एज AIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करके उसने देखा कि AS नंबर 100 लग क्या रहा और ये मैट्रिक भेट आ रहा, सेम कॉन्फ्यूजन हमने उस टूल के ऊपर कर दिया और अपने सिस्टम से हेलो मैसेज भेज दिया। राउटर ने उस वाले इंटरफेस पे हेलो रिसीव किया, उसने देखा भाई हेलो आ रहा है, सेम AS नंबर, सेम मैट्रिक, मैं तो नेबर बन गया उसका, बन गया नेबर। अब नेबर बन गया तो अब इस अटैकर ने क्या किया, 10 लाख राउट बनाए डमी स्क्रिप्ट के थ्रू और उठा के R1 को दे, ले ले भैया। अब R1 के राउटिंग टेबल में आते ही राउटिंग टेबल में भाई मैं तो जान निकल गई, उसकी तो जान निकल गई, उसकी राउटिंग टेबल क्रैश हो गई, जिससे क्या हुआ, पूरा राउटर डाउन हो गया आपका, आपका अटैक हो गया। अब इसका सोल्यूशन सेम, मैंने इसको पैसिव बना दिया, इस वाले इंटरफेस को क्या बना दूंगा, पैसिव, जिससे क्या होगा, ना तो हेलो सेंड करेगा और अगर किसी ने हेलो उसके पास रिसीव हुआ तो उसको ड्रॉप करेगा। मतलब R1 उस वाले इंटरफेस पे जिसको पैसिव बना दोगे, उस वाले इंटरफेस से ना तो हेलो सेंड करेगा और ना ही उस इंटरफेस पे हेलो को रिसीव करेगा, जिससे फायदा क्या हुआ, आपका ये अटैक होना बच जाएगा, एक सिक्योरिटी भी आपको मिल गई। ये जो मैंने आपको पैसिव इंटरफेस वाले जी इतनी कहानी बताई, इट्स अ बोनस इन्फॉर्मेशन फॉर यू इन द, मैं सिक्योरिटी की भी कुछ टिप्स देता रहूँगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीखें। तो पैसिव इंटरफेस की इंपॉर्टेंस समझ में आई, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट में, कहीं पे भी अगर डाउट है, विकास क्लियर है। तो पैसिव इंटरफेस हम उस इंटरफेस पे नहीं बनाना, ध्यान रखना, जहाँ पे आपके एक नेबर राउटर कनेक्टेड है,
जैसे मैं अगर R2 और R1 की बात करूं, तो क्या मैं R2 के इस वाले इंटरफेस को पैसिव बनाना चाहूंगा? नहीं, क्योंकि अगर इसको पैसिव बना दियो तो हेलो रिसीव नहीं करेगा, ना भेजेगा, तो नेवर शिप डाउन हो जाएगी। समझ में आया कि पैसिव इंटरफेस कहां बनाना और कहां नहीं बनाना, ये पता होना चाहिए आपको। कोई डाउट तो नहीं ना? क्लियर है चीजें सर आपको, बाकी विकास आपको भी? तो मैं आपको ये, हाँ तो मैं ये चीज करके भी दिखा देता हूं, देखना। अभी मैं यहां पे एक स्विच लगा रहा हूं, ठीक है? तो स्विच लगा रहा हूं, वन बाय जीरो से, ठीक है? अब देखो यहां पे हेलो आएगा ही आएगा, देखेंगे कैप्चर करके। तो राउट इसको कैप्चर कर लेते हैं हम, AIGRP। नहीं 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 स्विच को कोई आईपी नहीं देते हम लोग, स्विच पे कोई आईपी नहीं जाएगा, सिर्फ हमने कनेक्ट किया केबल के थ्रू, हम सब समझेंगे चीज को देखने के लिए, दैट्स इट। स्विच पे अभी कोई काम नहीं करना, अभी स्विच का काम हम लोग स्विच पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करता है वो हम लोग आगे सीखेंगे, अभी हम लोग राउटिंग पे हैं, राउटर पे फोकस करेंगे। सिर्फ मैंने इस लिंक को इसलिए किया था कि मैं दिखाऊं कि आपको यहाँ भी हेलो जा रहा होगा, इधर भी हेलो जा रहा होगा, वो दिखाने के लिए किया। तो मैं R1 पे किया, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे पता है यहाँ पे AIGRP, और आपको पता है कि यहाँ पे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे कोई AIGRP नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने R1 के भी उस इंटरफेस को IP भी देना है पहले, तो मुझे तो चलिए पहले R1 को एक्सेस करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, नो शटडाउन, IP एड्रेस 12.1.1.1 255.255.255.0। अच्छा स्पेलिंग गलत, सॉरी टू, हाँ अच्छा 12. नहीं होगा क्योंकि 12. ऑलरेडी ओवरलैपिंग, देखिए ऑलरेडी ओवरलैप कर रहा है 0/0 का, कह रहा है कि ऑलरेडी इस पे चला रहे हो तुम, पागल हो क्या, मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तो अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 11 बना देते हैं। मतलब 12 वाला नेटवर्क ऑलरेडी 0/0 पे चल रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि भैया आप क्या बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। तो मैंने ठीक है 11.1.1.1 दे दिया, ठीक है? चलिए डू शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखिए आप यहाँ पे 12.1.1.1 एंड 11.1.1.1 आ रहा है। नाउ डू शो, सॉरी राउटर AIGRP 100 नेटवर्क 11.1.0.0.0, कोई बात नहीं, 0.0.0.255। अगर मैंने यहाँ पे 10 भी दिया कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी वैल्यू दे, देखो ये स्टार्टिंग में मैंने 11.1.1 दिया, लास्ट में अगर मैं कोई भी दे देता हूँ उसको तो वो इग्नोर ही करेगा ना 255 की वजह से। तो यहाँ पे गलती से मेरे ये 0 की जगह 10 हो गया, नो प्रॉब्लम। मैं इसको नहीं बैठाऊंगा तो भी कोई काम नहीं करेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे मैंने 11.1.1.10 दे दिया है, लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे 255 लिख दिया है तो इस वाली वैल्यू को वो इग्नोर करेगा, वो तो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 बिल को मैच करेगा, ठीक है ना? गलती से मेरा वो स्पेलिंग एरर था, अगर मैं अगर 10 भी दे दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? चीज़ों को रटना नहीं, समझना है कि मैंने यहाँ पे अगर 10 भी दिया हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्टार्टिंग के वो 3 ऑक्टेट को मैच करेगा, इस वाले ऑक्टेट को मैच इग्नोर करना ही करना है उसको। चलिए अब हम कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मेरा AIGRP चल रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे पैकेट्स आ रहे होंगे, देख रहे हैं 11.1.1 से हेलो जा रहे हैं ना, यहाँ हेलो आ रहे हैं ना अब, ये सुनो देखिए 11.1.1.1 इस वाले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, तो यहाँ से हेलो भेज रहा है एवरी 5 सेकेंड। तो अगर यहाँ पे जो यूज़र्स होंगे उनको हेलो पैकेट मिल रहे होंगे, ये सुनो मिल रहे होंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए मैं राउटर के इंटरफेस पे जाके इसको बोलूँगा पैसिव इंटरफेस। तो कैसे करूँगा मैं, इसको यहाँ ही रखते हैं और यहाँ पे जाके मैं देखिए हेलो जा रहा है, मैं भी हेलो बंद कर दूंगा। मैंने क्या लिखा, पैसिव इंटरफेस। कैसे जाना पड़ेगा, देखिए राउटर जो आपका AIGRP राउटर AIGRP 100 के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है पैसिव इंटरफेस। कौन से इंटरफेस को पैसिव बनाना है मुझे, फास्ट इथरनेट 1/0 को। देखिए अब यहाँ पे नीचे की तरफ 40 का जो नंबर, यहाँ पे देखिए 40 लास्ट है, अब कोई यहाँ से हेलो नहीं जाएगा, देखिए जा रहा है कोई
नहीं जा रहा ना। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक राउटर ले रहा हूँ, इस राउटर को मैं अटैकर मानता हूँ, ठीक है। मैं इसका आइकन भी चेंज कर देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ ये अटैकर है। तो देखिए पैसिव इंटरफेस मेरा क्या चेंज सिंबल यूज लाइब्रेरी। अच्छा मान के चले कि इस लैपटॉप ही किसी बंदे ने लगा लिया, ये लैपटॉप है ठीक है, अटैकर लिख लेते इसके आगे, ये राउटर ही है लेकिन इसका आइकन चेंज कर दिया है। मैंने इसको अटैकर की तरह ट्रीट कर लिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस अटैकर की आईपी मैं दे दूंगा 11.1.2, ठीक है। देखिए राउटर का आईपी पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसको आईपी मिल गया राउटर वन का, तो ये अटैकर गया। एक सेकंड ऑन होने दीजिए एक बार। ठीक है चलिए, कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस फास्ट 0/0 आईपी एड्रेस 11.1.2। अब ये क्या कह रहा है कि मैं भी राउटर AIGRP इसको पता लग, सॉरी 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 10 की जगह यहाँ पे नो कर दिया मैंने, 100 राउटर AIGRP 100 और मैंने बोल दिया नेटवर्क 11.1.0 0.0.0.255। नेबरशिप फॉर्म नहीं करेगा। देखो अब मैंने यहाँ पे सेम नेटवर्क दे दिया, सेम AS नंबर दे दिया, मैट्रिक बेट तो सेम जा रहा होगा, यहाँ से हेलो जा रहा होगा लेकिन यहाँ पे हेलो ड्रॉप कर रहा होगा। देखो यहाँ पे हेलो आ रहे होंगे, दिखाऊँ पैकेट दिखाऊँ आपको, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, देखिए यहाँ पे जान रिसीव नहीं हो रहा ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेलो आ रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ स्टार्ट कैप्चर करूँ तो अटैकर जो है वो हेलो भेज रहा होगा, भेज रहा है ना। देखो अभी यहाँ पे AIGRP, एक सेकेंड नहीं जा रहा ना, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुआ मेरे ख्याल से, कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, AIGRP का मैसेज नहीं जा रहा। तो हो सकता है कि आईपी एड्रेस वगैरह में नो शट कमांड नहीं दिया, वाओ शायद। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस ना शट डाउन पड़ा हुआ है, तो इंटरफेस फास्ट था 0/0 नो शट। अब जाएंगे देखो जा रहा है AIGRP का हेलो मैसेज, कौन भेज रहा है, अटैकर भेज रहा है ना, R2 का IP 11.1.2 कौन अटैकर है, अटैकर हेलो भेज रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ये देखो हेलो मैसेज मेरे रिसीव हो रहे हैं ना इससे, ये यहाँ R1 के पास हेलो के मैसेज रिसीव हो रहे हैं। देखो R1 के पास पहले ये भेज रहा था, खुद ही भेज रहा था, लेकिन अब ये R2 से रिसीव कर रहा है, देख रहे हो। तो रिसीव कर रहा है तो क्या इससे नेबरशिप फॉर्म कर ली होगी, नहीं करी होगी, दिखाऊं। अगर मैं राउटर वन की नेबर टेबल जाके देखूं तो R1 का एक ही नेबर मिलेगा आपको, शो IP AIGRP नेबर, एक ही नेबर है 12.2.2.1.2। इसने इधर हेलो भेज रहा है बट R1 उसको रिसीव्ड नहीं कर रहा है, ड्रॉप कर दे रहा है। क्यों भाई, मैं इंटरेस्टिंग हूँ, मेरा क्या है पैसिव बना रखा है, तो ऐसे फ़ायदा है कि आपके नेटवर्क में अटैक नहीं होगा, आपके इस वाले इंटरफेस पे कभी भी हेलो रिसीव होगा नहीं, तो इसके साथ नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस से पैसिव इंटरफेस को नो कर देता हूँ, राउटर AIGRP 100 नो पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0। जैसे मैं यहाँ पे 1/0 करूँगा इसमें अब ये क्या कर लेगा, हेलो को एक्सेप्ट कर लेगा और नेबरशिप फॉर्म कर लेगा, बन गया नेबरशिप 11.2 के साथ। देखो तो पैसिव इंटरफेस ने क्या किया हुआ था, प्रोटेक्ट किया हुआ था, लो भैया अब अटैकर अब खुश, अटैकर ने खुश, अब अटैकर क्या करेगा, लो भैया नेटवर्क, लो डमी नेटवर्क। इसने क्या किया, राउटर AIGRP 10 और नेटवर्क करके उसने क्या किया, 0.0.0.0 255 255 255 255। इसका मतलब पता है क्या, अगर मैं ये वाली कमांड दे देता हूँ ना
तो सारे नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो, सारे ब्लॉक को क्या करूंगा मैं, इग्नोर करूंगा, तो मतलब मेरे राउटर के ऊपर जितने भी नेटवर्क चल रहे होंगे सबको एडवर्टाइज कर दो। तो अब देखो मैं इंटरफेस लूप बैक वन आईपी एड्रेस 1.1.1.1 एक लूप ये बना दिया मैंने, फेक फेक अटैकर मैंने बना दिया। मैं आपको जस्ट सीधा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। टू थ्री फोर फाइव, ये पांच मैंने लूप बैक बनाए। तो देखो अब R1 की राउटिंग टेबल में आ जाएगा वो सारी सारे राउट्स, शो आईपी राउट आ गए वन वाले नेटवर्क के। देखो ये देखो आ रहे ना नेटवर्क, आ रहे कि नहीं आ रहे, देखो 0.0.0.0.1 वाले नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आ गई, ये वन वाले नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आ गई, इसके पास भी आ जाएगी R2 के पास। देखो शो आईपी राउट, इसके बाद भी ये क्या है, डमी नेटवर्क है ये नेटवर्क, तो मेरे कहीं नेटवर्क में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन राउटिंग टेबल में आ गया ना, क्योंकि राउटर इसने क्या किया, अटैक किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए, R1 के कॉन्फ़िगरेशन मोड राउटर AIGRP 100 पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0। जैसे उसको पैसिव करूंगा सामने के साथ नेबरशिप ड्रॉप कर लेगा, देखो नेबरशिप ड्रॉप हो गया, और जब नेबरशिप ड्रॉप हो जाएगा तो R1 के पास जो वन का नेटवर्क था वो भी ड्रॉप कर देगा। शो आईपी राउट, देखो ये वन का नेटवर्क भी ड्रॉप कर दिया उसने। तो पैसिव इंटरफेस आपको वहां बनाना है जहां पे आपके कोई अदर राउटर्स नहीं कनेक्टेड है, उस वाले इंटरफेस को पैसिव बनाना ही बनाना है ताकि आपके नेटवर्क में अटैक ना हो, ठीक है। और पैसिव इंटरफेस मेरा कौन सा है, मैं चेक कैसे कर सकता हूँ कि राउटर पे अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे कोई इंटरफेस पैसिव है या नहीं है, तो शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड दोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन ऐड हो जाएगी पैसिव इंटरफेसेस, कौन सा बना हुआ है फास्ट इथरनेट 1/0। तो जो इंटरफेस फास्ट इथर जो इंटरफेस पैसिव इंटरफेस बना होगा उस वाले इंटरफेस से कभी हेलो नहीं जाएगा और ना ही उस इंटरफेस पर कभी हेलो रिसीव होगा। समझ में आया इस कॉन्सेप्ट का? हाँ जी सलाई सर, बाकी विकास समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी के लिए